कैसे साथ सभी लोग मेरा नाम है जय स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में बाहर पे बैठे हुए एक व्लॉग में और ये रेलवे ट्रैक से भाई इस मैं फिर से बता रहा हूँ रेलवे ट्रैक से बहुत दूर बैठा हूँ और ये आया हूँ मैं नवा घंटी में ठीक है और आप लोगों को शायद आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो अगर देखा होगा वो अनोखी कहानी वाली तो एक दिन मैं यहीं पर ही बैठा था और यहीं से जो है मुझे इस कहानी का प्लॉट समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा दिमाग में आने लगा और वहीं से जो है मैंने कहानी लिखी थी और ये जगह आप लोग अगर देख रहे अभी तो दूर आपको शहर थोड़ा देखने को मिलेगा लेकिन आज से आठ साल पहले जब मैंने साइकिल जो है मेरा नया नया आया था साइकिल मैंने वहाँ पे पार्क किया है तब जो है ये जगह बिल्कुल ही सुनसान थी भाई तब तो इतने बिल्डिंगें यहाँ पे कहाँ थे कहीं भी नहीं थे सिर्फ खाली मैदान था और रात अगर हो जाती हमारे घर वापसी का टाइम में यार रास्ता जो है दिखता ही नहीं था टॉर्च मोबाइल के टॉर्च के लाइट में जो है जला के घर जाना पड़ता था बहुत ही शानदार जगह है अभी भी कभी कभार आता हूँ मैं और एक्चुअली जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे एक्चुअली रेलवे फाटक हुआ करता था एक बांस रख दिया था यहाँ के लोकल लोगों ने और फिलहाल के लिए बांस तो जो है चोरी हो जाता था इसलिए जो है यहाँ के लोगों ने रेलवे की पटरी काट के जो है रख दिया यहाँ पे उसी के ऊपर बैठा हुआ बहुत ही सुंदर माहौल है लोग जो है यहाँ पे बहुत ही रिस्की काम करते जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो अभी जो है एक ट्रेन आने वाली थी और लोग जो है ट्रेन आने से पहले पटरी का क्रॉस कर रहे थे ऐसा कभी भी मत किया करो इवन कि यहाँ पर भी अगर तुमको पटरी क्रॉस करते हुए किसी ने पकड़ लिया जब ट्रेन आ रही हो अगर जब ट्रेन आ रही हो तब बाकी टाइम में कर सकते हो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यार रोड के ऊपर पटरियाँ बनी हुई हैं लेकिन अगर ट्रेन आते वक्त अगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया क्रॉस करते हुए तो तुम्हें हज़ार रुपये का फाइन और यार अगर कुछ साल की जेल भी हो सकती है लेकिन यार पुलिस के बाद उतना टाइम कितना है कि लेकिन यार तुम्हारा रिस्क भी तो है तो यार अपने जान को जोखिम में डाल के क्यों पटरी को क्रॉस करना और फिलहाल के लिए यहाँ पर तो कोई भी आरंदती नहीं रहती अगर रहती होगी तो दिखा देता हूँ मैं आप सभी लोगों को कहानी जो है पूरा पूरी मनगड़न था लेकिन जो प्लॉट था यार रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था बहुत ही अच्छी जगह है यार खैर क्या कर सकते इस अच्छी जगह को जो है शहर ने रिप्लेस कर लिया है बड़ी बड़ी ईटों की इमारतें जो है आजकल इस जगह पे देखने को मिलती हैं और क्या ही करें यार लेकिन अभी भी याद आता है यार पुराने दिन जब यहाँ पर आते थे यार बहुत ही खुला मैदान था दूर दूर तक कोई नहीं था थोड़ा डर भी लगता था थोड़ा मज़ा भी आता था मज़ा जो है बहुत ज़्यादा आता था क्योंकि यार एडवेंचर का मौसम था तब दोस्त साथ थे आज तो यार फ़ोन करो फिर भी दोस्त फ़ोन नहीं उठाते नहीं आते यार सभी के काम है सभी के जॉब है हम तब भी जैसे थे अब भी वैसे ही बैठे हुए हैं यार क्या ही कर सकते हैं प्रदीप का जो है आने का प्लान था लेकिन उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया फिर भी उसके जो जॉब के प्लेसमेंट्स शुरू हो गए अब इस टाइम पे जो है बंदे को डिस्टर्ब करना सबसे बुरी बात है ऋतिक जो है वापस आ चुका है यहाँ पर लेकिन वो भी जो है जॉब स्टार्ट कर रहा है और सनी पाजी का आज होने का था इस व्लॉग में लेकिन सनी पाजी पता नहीं कहाँ चले गए पाजी तुसी ना जाओ तुसी वापस आओ तो खैर जो भी है जगह बहुत ही अच्छा है अगर आप लोग कभी भी आना चाहो तो आओ इस जगह का पता एक्चुअल नाम क्या है जब मैं आठ साल पहले इस जगह पर आया था कोई नहीं था ठीक है सिर्फ एक घर था उस घर में सिर्फ एक बूढ़े आदमी था उनसे मैंने पूछा था इस जगह का नाम उन्होंने बताया इस जगह का नाम है भूतुक ग्राम एक्चुअली नवाघंटी जो है हम बहुत पीछे छोड़ा है ये नवाघंटी का एक्सटेंशन है मतलब बनपुर की अगर बात की जाओ नक्शा बहुत ही पेचीदा है तो ये जो है बनपुर का एक्सटेंशन है जो कि बनपुर के अंदर नहीं आता लेकिन यहाँ के लोग जो है अपना थाना हीरापुर ही लिखते हैं तो बनपुर के अंडर में तो ये नहीं पड़ता लेकिन हीरापुर के अंडर में ज़रूर पड़ता है पर आप लोग सोच के हैरान होंगे कि हीरापुर जो बनपुर के अंदर का एक छोटा सा जगह है तो ये जगह जो है अगर बनपुर का एक्सटेंशन है तो बनपुर के अंदर क्यों नहीं पड़ता इसकी कहानी अलग है उसके ऊपर कभी और वीडियो बनाएंगे फिलहाल के लिए गाय आज के वीडियो के लिए इतना ही मिलता है आप सभी लोगों से एक और न्यू एनर्जेटिक बेकार के ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय सी यू टेक केयर गुड बाय एंड लिव अ हेल्थी लाइफ